नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान राजभर। मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं सबसे पहले वीडियो, और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं सीवी राजभर आप लोगों के बीच में पुनः न्याय प्रणाली संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और यहाँ के जिला प्रशासन और वरिष्ठ लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति न्याय प्रणाली के तहत कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए यदि थाने पर जाता है, तो थाने के माध्यम से उसको बैठा लिया जाता है और उसको 151 की धारा में बैठा करके उसको मुकदमा लगा करके उसको भेज दिया जाता है। जबकि मेरा कहना है, जो दोषी है, जो नहीं मान रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि कोई किसी व्यक्ति का जमीन जायदाद कोई कब्जा कर रहा है और वह व्यक्ति स्टे लेकर के कानून के माध्यम से, अदालत के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से थाना पे यदि जाता है, प्रशासन के यहाँ जाता है, तो प्रशासन को चाहिए उस आदेश के पालन करवाना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं मानता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहिए। और यहाँ उल्टा हो रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसकी ज़मीन मारूसी कब्जा हो रही है, यदि वह अपने न्यायालय से यदि स्टे ऑर्डर का कागज लेकर के जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी मानित किया जा रहा है, उस व्यक्ति को भी बैठाया जा रहा है और सीधे तौर पे उसके ऊपर भी 151 का धारा लगा करके भेज दिया जा रहा है। वह बेचारा जा करके जमानत लेकर के छूट रहा है। और इसके बाद जो है कि फर्जी मेडिकल थाना के द्वारा बनवाया जाता है, ब्लॉक पे आप जाइए मेडिकल करा लीजिए। मेडिकल में वो देखते हैं कि आप कहीं चोट नहीं लगी है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, उस तरह से मेडिकल अर्जी फर्जी बना करके वह दे देते हैं। उसके माध्यम से तहसील में जा करके वह व्यक्ति जमानत करवाते हैं। 6 महीने तक ये बेवजह का केस या DM के यहाँ चलता है। तो मेरा कहना है कि प्रशासन को यह चाहिए कि जो न्यायालय से आदेश मिला हुआ है, उसका पालन करवाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति यदि नहीं मानता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि यदि ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति कहता है कि हम अपने में बनवा रहे हैं, ये हमारा है, तो उसको उस गांव के लेखपाल कानूनगो को बुला करके उसकी नंबरान का जो उसका नंबर है, जो उसके घाटे नंबर है, जिसके चेक नंबर हैं, उसके मुताबिक उसकी पैमाइश करा करके उसके हवाले कराना चाहिए। ज़बरदस्ती प्रेशर प्रशासन को बनाना चाहिए कि तुम्हारा है तो तुम पैमाइश कराओ। जो विवादित ज़मीन है, यदि उस पर तुम कब्जा कर रहे हो, तो उसकी पैमाइश करा करके उसके हवाले कराना चाहिए, न कि उसको सह देना चाहिए। मैं यह प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यदि पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी व्यक्ति है, उसे सह नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का आज जो परिवेश है, हमारे समझ से 90% लोग ऐसे हैं जो ज़मीनी विवाद में घिरे हुए हैं, जिसके कारण मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, सामाजिक इस तरह का तमाम तनाव से ग्रसित है। वह अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दिला सकता है, अच्छे परिवेश में कैसे भेज सकता है, जब मानसिक तनाव से वह जूझता रहेगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि जो दूसरे व्यक्ति है, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। वह व्यक्ति यदि जबरी करता है कि नहीं, हम अपने बना रहे हैं, हम बहुत दिन से कब्जा हैं, तो उसके नंबर का पैमाइश करवा करके उससे कह करके कि चलो जाओ तुम अपने नंबर का पैमाइश कराओ, आदेश दिलवा करके उससे जो भी शुल्क लगता है वह दिलवा करके और पैमाइश करवा करके उसका उसके हवाले करवाना चाहिए, ताकि जो विवादित लोगों में ज़मीनी विवादित है कि झगड़े हैं, वो समाप्त हों। इस तरह का परिवेश करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, ये दिवस लगते हैं लेकिन कोई निपटारा नहीं होता।
ये सारे निपटारे दीवाने न्यायालय में चले जाते हैं। इस तरह से यदि प्रशासनिक कार्यवाही कड़ी रुख के साथ किया जाए, ज़बरदस्ती किया जाए, कागज के द्वारा किया जाए, कागज का अनुपालन किया जाए, तो मेरी समझ से 90% जो आज लोगों के ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा। जो भी अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं ये सख्ती से कार्रवाई किया जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। क्यों कहा जाता है कि जैसा शासन होता है वैसा ही प्रशासन होता है, तो मैं शासन के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, जो शासन की भनक होनी चाहिए जिस तरह से बसपा गवर्नमेंट में हुआ करती थी, सुश्री बहन मायावती जी के शासनकाल में सारे प्रशासनिक अधिकारी कांपते थे, वह अपने ड्यूटी पे समय से ड्यूटी करते थे, उस तरह का माहौल भी इस बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं बहुत तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं और बहुत ही सम्मानित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अपने कैबिनेट को लेकर के फिर से कड़े रुख, जो निचला पावदान है यह टोटल अभी आपका एकदम निरंकुश बना हुआ है, कोई न्यायालय नहीं, न थाने से लेकर के तहसील से लेकर के किसी भी अदालत पर देख लिया जाए वह प्रणाली अभी उसी तरह पड़ी हुई है जिस तरह से पिछली सरकारों में थी। इसलिए मेरा कहना है कि आप शक्ति लाएंगे तो लोग सम्मान करेंगे, सम्मान के साथ आपका गुणगान करेंगे, तो आप सम्मान के लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कड़ा रुख अपनाइए ताकि जो जनता है, जो पीड़ित जनता है, जो दुखित जनता है, सबकी सुनवाई हो, सभी लोगों का दिल को जीते, न्याय दिलाएं। जब न्याय दिलाएंगे तो हर एक गरीब की आंसू जो बह रहे हैं वो आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेंगे कि मेरा जो सदियों से किसी ने मेरी ज़मीन जायदाद को कब्जा किया, आज योगी जी के बनने से आज मेरी ज़मीन वापस मिली, आपको दुआ लगेगा, आपको आशीर्वाद गरीबों का लगेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप आत्मसमर्पित होकर के प्रशासनिक कर्मचारियों के ऊपर कड़ा से कड़ा रूप अपनाइए, क्योंकि कहा गया है कि जो दिन निकल रहे हैं वह फिर दिन आने वाले नहीं हैं, इसलिए इतिहास रचा जाता है, एक एक दिन का, एक एक सेकंड का, एक एक घड़ी, एक एक मिनट का इतिहास बनता है। इसलिए आप अपने इस 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा इतिहास बना के जाइए कि लोग सदियों से आपको याद करते रहेंगे, करते रहें। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। यदि ये मेरे संदेश आप लोगों को अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों नमस्कार।